लक्ष्मीयों अस्पताल लाहौर के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीसीओ आहत चीमा ने कहा कि डॉक्टर्स के हड़ताल के बावजूद इमरजेंसी में मरीजों का इलाज जारी है। सीनियर डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर्स अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। डीसीओ लाहौर का कहना था कि बहुत से डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म की है, उम्मीद है कि जल्द सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का इरादा नहीं है, ताहम उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई जरूर होगी। हमारा कोई गिरफ्तारियों और क्रैकडाउन वाला प्रोग्राम नहीं है। इसमें डिसीजन बड़ा क्लियर है कि जो लोग ड्यूटी पे नहीं आएंगे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, जो कि उनके अपनी सर्विस टर्म्स एंड कंडीशंस में मौजूद है। डीसीओ लाहौर ने कहा कि अभी तक किसी डॉक्टर की गिरफ्तारी की इत्तला नहीं, सिर्फ उन डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया जाएगा जो अपने साथियों को काम करने से रोकेंगे। एक सवाल के जवाब में आहत चीमा का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पर डॉक्टरों की भर्तियां शुरू कर दी हैं।